जय श्री श्याम मित्रों, आई एम चेतना गुप्ता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल इज वेल विद यू। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं वैक्स घर पर ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आज से पहले मैंने कभी भी घर पर वैक्स ट्राई नहीं करी है। मेरे को आइडिया नहीं है कि घर पर वैक्स किस तरीके से की जाती है, बट हमारे पास सारा सामान है जो भी वैक्स के अंदर यूज होता है। वैक्स हीटर भी है, पाउडर भी है, वैक्स स्ट्रिप्स भी है, बट हमारे पास स्पेक्युला जो भी उसको बोलते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो उसकी जगह पर हम यूज़ करने वाले हैं चम्मच। यस, हम चम्मच को यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप नाइफ को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट एक्चुअली मेरे को नाइफ से थोड़ा डर लगता है। सो गाइज, मैं यूज़ करूँगी चम्मच। और चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि किस तरीके से वैक्स की जाती है। सो गाइज, सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना एसी को ऑन। एसी अपना ऑन हो चुका है, ये देखिए, ये है अपनी वैक्स स्ट्रिप। गाइज ये देखिए, मेरे पास अरोमा का वैक्स हीटर है और ये काफ़ी टाइम से हमारे पास रखा हुआ था, तो इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है, बट कोई नहीं। अपना हमारा वैक्स हीटर ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन है। और अब हम इसको लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। गाइज हम ये टेप लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ये प्लग थोड़ा डैमेज हो गया था, इसलिए इसको हमने कर दिया है। ये हमने लगा दिया अपना चार्जिंग पॉइंट में, प्लग ऑन कर दिया है। और ये क्या हुआ, ये तो ऑन ही नहीं हुआ। हाँ, पहले भी करवाने में लगाई थी। गाइज अपना ये तो चालू हो गया है, अब हम देखते हैं अपनी वैक्स। गाइज हमारे पास ये वाली वैक्स ख़त्म हो रही है, तो इसलिए इसमें जो भी ऑलरेडी वैक्स हुई हुई है इसको भी हम इसमें वापस निकाल लेंगे। गाइज अपनी हमने वैक्स हीटर बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ये दूसरी वैक्स डालेंगे। ये भी कम ही है, बट हमें ज़्यादा वैक्स नहीं करनी है, सिर्फ हमें हाथ और पैरों पे करनी है, तो इतनी काफ़ी इनफ होगी, इतनी ही वैक्स। तो इसको निकाल लेते हैं हम, और इसको ऊपर हम ऐसे रख देते हैं, खुद ही निकल जाएगी। अब ये थोड़ा मेल्ट होकर खुद ही इसके अंदर निकल जाएगी, तो हम कुछ सेकेंड्स का वेट करेंगे। गाइस तो हमारी वैक्स गर्म हो चुकी है, अब हम वैक्स स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं लगा रही हूँ पाउडर, सिर्फ हाफ हैंड पर ही करेंगे पहले, और पाउडर को अच्छे से लगा देंगे। देखिए ये क्या गंदगी निकल रही है। गाइस तो अब हम पूरे हाथ पर पाउडर लगा रहे हैं, नीचे का हमने पूरा क्लीन कर दिया है हाथ, अब अपर की साइड लगा रहे हैं हम पाउडर को। और गाइस आप ज़रूरी नहीं है कि जब आपके बॉडी पर हेयर हो तभी वैक्स कराएं। अगर आपके बॉडी पर टैनिंग हो रही है या ब्लैक ब्लैक ज़्यादा लग रहा है तो आप तब भी वैक्स करा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो भी आपकी बॉडी पर टैनिंग हो रही है वो रिमूव हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर हाथ लगते हैं फिर, अच्छे सुंदर। तो उसके लिए आपको वैक्स कराते रहना चाहिए गाइस। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके हाथ पर बिल्कुल भी हेयर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बालों पर डस्ट हो रही है और टैनिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसको रिमूव करने के लिए महीने में एक बार तो वैक्स
आपको वैक्स जरूर करनी चाहिए। हाथ भी शाइन करते हैं तो आपको एक बार तो जरूर वैक्स करवानी ही चाहिए मंथ में, और ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, उससे स्किन भी लटक जाती है, बट हाँ एक बार तो महीने में करवाते रहना चाहिए पर्सनल हाइजीन के लिए, है ना। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप वीडियो पर मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लास्ट में मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाइस वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में वीडियो के, तो इसलिए कंटिन्यू ही वीडियो को देखें, भी स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। गाइस आप ये देख रहे हैं इनके कितने ज़्यादा डस्ट है, ये बाल तो इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं बट ब्लैक ब्लैक देखो कितना निकल रहा है एक्चुअली में, सही में, तो इसलिए आपको करवाना ज़रूरी है वैक्स। जिधर बालों की डायरेक्शन होती है उधर की साइड वैक्स लगती है और खिंचती दूसरी साइड से है, आई मीन अपोजिट साइड से हमेशा वैक्स खींची जाती है। ये देखिए इनका जो हाथ की जो हालत थी पहले वो कैसी थी, और अब देखिए कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है। और ये सिर्फ वैक्स का कमाल है, इसलिए तो लड़कियां वैक्स कराती हैं इतना दर्द सह सह कर भी, तो आपको वैक्स जरूर करवानी चाहिए। और गाइज ये देखिए इनका पूरा हाथ अब कंप्लीट हो चुका है और इतनी ज्यादा डस्ट निकली है गाइज। और अगर आपने हाथ में कुछ भी पहना हुआ है तो उसको भी जरूर निकाल लें, वरना वो वैक्स उस पर चिपक जाएगी उस आर्टिकल पर। और अब पहले हैंड पर हम लगाएंगे पाउडर। पाउडर को अप्लाई करने के बाद अब मैं लगाऊंगी वैक्स, और पूरे हाथ पे एक साथ वैक्स नहीं लगानी है, पहले ऊपर जो हैंड है उनके ऊपर लगाएंगे वैक्स, फिर उसके बाद फिंगर्स पे लगाएंगे, और इकट्ठी नहीं लगानी है, एक एक करके लगानी है, और फिर जिस तरीके से हमने वैक्स लगाई उसी तरीके से उसको रिमूव करनी है एक एक करके, ये नहीं कि एक साथ खींचेंगे, एक एक करके रिमूव करनी है।
और गाइस वैक्स को अप्लाई करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखें ज़रूर कि वैक्स जो है ज़्यादा गर्म ना हो, हल्की गर्म हो। अगर ज़्यादा गर्म होगी तो वो हार्म कर सकती है स्किन को, उससे स्किन जल सकती है, इसलिए ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगानी है। और अब फिंगर्स हम पे जो हमने वैक्स लगाई है उस पे से हम वैक्स को रिमूव करेंगे और एक एक कर कर ही हमने उसको रिमूव करनी है, इकट्ठी रिमूव नहीं करनी है। और जब एक एक करके करेंगे तभी अच्छे से होगी। जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम इसी तरीके से वैक्स को अप्लाई करना है और रिमूव भी इसी तरीके से करना है। गाइज अब जब भी वैक्स करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अपना एसी को ज़रूर ऑन कर लें और टेम्परेचर का ध्यान रखें कि टेम्परेचर ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर टेम्परेचर हल्का सा भी गर्म होगा और जितना टेम्परेचर चाहिए उतना अगर नहीं है तो ये हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रिप है वैक्स स्ट्रिप वो आपकी बॉडी पर ही चिपकी रह जाए, इसलिए जब टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो। गाइज ये देखिए हमने यहाँ पर अब लोशन अप्लाई कर लिया है पैरों पर और इसको अच्छे से हम मॉइस्चराइज करेंगे और इसी तरीके से हाथों पर भी और पैरों पर भी जहाँ जहाँ पर हमने वैक्स किया वहाँ पर लगाएंगे ताकि स्किन एकदम स्मूथ हो जाए। हमारी वैक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो टेल मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ आपको और क्या देखना पसंद है। सो आई विल कीप दैट इन माई माइंड और मेक श्योर कि मैं उन चीज़ों पर ही वीडियो बनाऊँ। सी या।